नमस्कार मैं अनिल जादव पोलोन एग्रो मिनरल बरोड़ा गुजरात दोस्तों मैं आज ये प्लॉट पे आया हूँ जो प्लॉट 8 सितंबर को पोंगा भरनी करवाया था कौन फीलिंग जिसको हम बुंगरी बोलते हैं दोस्तों ये प्लॉट की कंडीशन अब मैं आज, आज आपको दिखाता हूं कैसा बन गया है उसकी परिस्थिति क्या है अभी तक मैंने क्या दिया है और यहाँ से आगे हमने क्या दे क्या देने वाला हूँ वो आज मैं इसमें बात करूँगा दोस्तों आठ सितंबर को मैंने इसमें पोंगा भरनी करवाया था जो काफ़ी वायरल हुआ वो वीडियो काफी किसानों ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वो मैसेज गया जो किसानों को पता नहीं था कि पोंगा भरनी क्या होता है पोंगा भरनी क्यों करना चाहिए उससे क्या फायदा होता है वो जिस किसान ने किया वो किसानों को रिजल्ट मिला तो किसानों का जो मुझे रिप्लाई मिला उन्होंने बताया कि साहब आपने जो बताया था पोंगा भरनी और उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला उसकी जो गैपिंग थी उसमें अच्छा रिजल्ट मिला था तो उसके आगे हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो क्या करना चाहिए तो आप प्लीज़ आप हमें गाइड करिए तो दोस्तों आज वही प्लॉट पे मैं आपको बताता हूँ जो प्लॉट की कंडीशन क्या है आज की परिस्थिति में जो कि लगभग उसको सितंबर आठ सितंबर को ये किया था आठ अक्टूबर और आठ नवंबर जिससे यानी लगभग पचपन दिन हो गए हैं आज की चार तारीख उसको पचपन से छप्पन दिन हो गए हैं पोंगा भरने के बाद उसके बाद जो परिस्थिति है वो क्या चेंजेस हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ ओवरऑल प्लॉट की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये है उसका थर्ड की साइज जो कि अड़तीस से चालीस इंच बन गया है पत्ते की क्वालिटी है अभी इसमें हम दे रहे हैं एसिड लीटर दस किलो दूसरा शेड्यूल है चार दिन के बाद फॉस्फरिक एसिड एक के जी चौबीस चौबीस जीरो दस किलो बोरान पांच सौ ग्राम और उसमें लेना है लीटर तीसरा शेड्यूल है कली चूना जो कि रात को ठंडी आती है उसमें लेना है क्लीन ट्वेंटी लिक्विड लाइम सल्फर उसमें वो घटक है यह ट्रीटमेंट हर चार दिन के हिसाब से तीन शेड्यूल बारह दिन में यह तीन ड्रिप एप्लीकेशन अपने को करना है उसके बाद चौथा दिन जो सोलहवें दिन में कैल्शियम नाइट्रेट पांच किलो बोरान पांच सौ ग्राम चिलेटेड जिंक पांच सौ ग्राम यह ट्रीटमेंट देने के बावजूद एक्स्ट्रा जो हमने इसमें करना है माइकोराइजा और व्याम माइकोराइजा लेना है सौ ग्राम व्यायाम लेना है 500 सौ ग्राम यह ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें आगे का परिस्थिति जो है मैं वो वीडियो में दिखाता हूं और आज की परिस्थिति दोस्तों यह प्लॉट की कंडीशन आठ सितंबर का पोंगा भरनी और आज का चार नवंबर यह परिस्थिति यह केले का तना आप देख सकते हो ओवरऑल प्लॉट तने की साइज जो 38 से 40 इंच बन गया है अभी थोड़ा करपा है करपा के लिए हमने इसमें प्रोपिकोनोजोल यह कंटेन और उसके साथ 500 ग्राम कैप यह ट्रीटमेंट हमने इसमें किया है उसके बाद जो मैंने आपको चार ड्रिप एप्लीकेशन बताया उस हिसाब से यह ट्रीटमेंट इसमें हम लोग इसमें आगे करेंगे अभी तक दोस्तों इसमें गया था फास्फोरिक एसिड एक किलो जो 8 सितंबर के बाद तीन बेसल डोज खत्म हो गए थे उसके बाद हमने जो ड्रिप एप्लीकेशन चालू किया था बारह एक्स जीरो पाँच किलो मैग्नीशियम पाँच किलो अमोनियम सल्फेट पाँच किलो और न्यूट्रीपल डी एफ एक लीटर एक से पाँच दिन में हमने यह ट्रीटमेंट चालू किया था उसके बाद दिया था कैल्शियम नाइट्रेट पाँच किलो बोरन पाँच सौ ग्राम चिलेटेड जिंक पाँच सौ ग्राम और विकर एक लीटर यह ट्रीटमेंट एक सौ दस दिन में उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एक लीटर पोटैश दस किलो यह एक सौ पंद्रह दिन में उसके बाद जब 130 दिन का हुआ था उस समय हमने इसमें दिया था बैक्टीरिया, एनपीके बैक्टीरिया, गुड़ जो आपने आता है जो घर में यूज करते हैं खाने के लिए गुड़ जग्गेरी बोलते हैं उसको वो लिया था दो किलो उसके उसके साथ जो छाछ आती है छाछ यानी कि जो ताक बोलते हैं उसको लैक्टोबैसिलस एसिड उसमें रहता है कंटेंट वो तीन लीटर उसके साथ गोमूत्र तीन लीटर न्यूट्रीसिल एक लीटर और चने का लेट जो चने का आटा रहता है वो एक के जी इसका मिक्सरण करके वो ट्रीटमेंट इसमें किया उसके बाद हमने दिया था दोबारा बारह इकसठ जीरो पाँच किलो मैग्नेशियम पाँच किलो अमोनियम सल्फेट पाँच किलो और पीडीआई पाँच सौ एम एल प्लांट डायरेक्ट इंजेक्ट एगटेक उसमें आता है वह आता है पोलन का जो उससे रूट डेवलपमेंट और नीचे का जितना भी अनाज पड़ा हुआ है जमीन में पौधे को अपटेक करता है पौधे को जब अपटेक होगा तो प्लांट की रूटर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा तो जो खुराक है जमीन में जो न्यूट्रेंट पड़ा हुआ है वो ऊपर पौधे तक पहुंचाएगा यह ट्रीटमेंट हमने किया था उसके बाद ड्रिप एप्लीकेशन हर चौथे दिन के हिसाब से इसमें चलता रहता है यह तने की साइज आप देख सकते हो इसमें जब मैंने एक वीडियो बनाया था वो वीडियो में टमाटा था वही टोमेटो आज है इस खेत में आप देख सकते हो और ओवरऑल ये प्लॉट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिए रिप्लाई दीजिए और जिन किसानों ने पोंगा भरनी किया था वह किसानों का रिजल्ट कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों सिगाटोका के लिए प्रोपोक्नोजोल प्लस कैप एक्सप्रे स्प्रे और जिस खेत में ज़्यादा सिगाटोका है अस्सी परसेंट से ज़्यादा सिगाटोका है तो नेटियो प्लस कैप इसका स्प्रे करिए 200 लीटर पानी में नेटियो 100 ग्राम कैप 500 ग्राम इसका स्प्रे करने के बाद नीचे से ड्रिप में क्लीन ट्वेंटी एक लीटर और कली चूना दो के जी कली चूना का जो पानी है न्यूड़ी उसको लेना है दस लीटर पानी में और वो दो सौ लीटर पानी में मिक्स करके उसको ड्रिप में दे देने का है उस उससे क्या होगा दोस्तों जब आप यहाँ पे दूसरे दिन भी आप जाके देखोगे क्लीन ट्वेंटी और कली चूना से तो गर्म रहेगा ठंड कितनी भी रहेगी तो वहाँ पे ज़मीन जो है पोचू हो जाएगी वहाँ पे ज़मीन जो है वहाँ पे गर्म रहेगा तो न्यूट्रन जो अपटेक करेगा वहाँ पे पौधे को जो ठंड का दिक्कत होता है वो जो ठंडी के दिनों में न्यूट्रंट अपटेक नहीं होता है तो वो अपटेक करने के लिए हेल्प करेगा तो ये ट्रीटमेंट चालू रखिए और इसका आगे का वीडियो आपको मिलता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करो लाइक करो कमेंट करो और आगे किस वीडियो पे किस प्लांट पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करिए धन्यवाद